दोस्तों मैं विकास स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ब्रूनो ट्रेडिंग में। तो गाइस आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी चर्चा में रहता है गाइस, जिस शेयर का नाम है रेन इंडस्ट्री लिमिटेड। जानेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस में क्या फेर बदलाव हुए हैं और क्या इसमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं और किस माइंड थॉट से हमें इसमें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी चाहिए। गाइस आप यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है इसको, इसका 163.20 रुपये का, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में डाउनफॉल देखने को मिला है 0.70% का। और यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज वाइज 1.15 पैसे का बदलाव हुआ है गाइस, जो कि नेगेटिव साइड हुआ है इस शेयर का। और यहाँ पे 52 वीक का हाई देखेंगे इसका 206 रुपये का है और 52 वीक लो 143 रुपये का है। उसके अलावा जो इसका मार्केट कैप है गाइस उसमें देखेंगे, और इसमें जो लेटेस्ट के क्वार्टरली या ईयरली रिजल्ट इसने पोस्ट किए हैं गाइस, वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसने पोस्ट किए हैं जो कि आपके सामने अभी लगाएंगे हम। आप यहां पे देखेंगे इसका मार्केट कैप मात्र 5,479 करोड़ रुपये का है गाइस, और यहां पे इसकी डिविडेंड यील्ड देखेंगे 1.23% की है गाइस, और यहाँ पर सेक्टर का पी रेशो देखेंगे 45.65 का है, और ये अपने ट्रेलिंग 12 मंथ में जो पी रेशो पर ट्रेड कर रही है 4.33 के पी पे शेयर ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी सस्ता प्राइस है गाइस इस शेयर का। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके ट्रेलिंग 12 मंथ की अर्निंग पर शेयर तो 37.66 है गाइस, जो कि इस शेयर में फंडामेंटल पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये काफ़ी वैल्यू ऑफ द बाइंग शेयर साबित हो सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। आप यहाँ पर देखेंगे इसकी पर शेयर की बुक वैल्यू भी निकल कर आ रही है 250.54 रुपये की निकल कर आ रही है गाइस एज अ फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। उसके अलावा यदि हम इसमें कुछ और पैरामीटर देखें जो कि चार्ट के पैरामीटर पे, तो कंपनी काफ़ी कंसोलिडेशन फेस में चल रही है गाइस, उसका जो कि कारण आपको आने वाले इसी टॉपिक में देखने को मिलेगा आगे। और गाइस जिस भी पर्सन को F&O ट्रेडिंग में रुचि है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमारे साथ ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता है, जिसमें कि आपको डेली के 2 टारगेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं और टारगेट हिट होने की पॉसिबिलिटी 60 से 80% रहती है। और जिस भी पर्सन का अभी तक डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन हुआ है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकता है, जिसमें कि आपको नॉर्मल मेंटेनेंस फीस नहीं पे करनी होगी एज अ लाइफ टाइम के लिए, यदि आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक से आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवाते हैं गाइस। तो आप यहाँ पर देखेंगे एयरटेल डेट के पैरामीटर पर भी इस शेयर ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है अपने शेयर होल्डरों को, और जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसकी रिटर्न देने की काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है गाइस, और यहाँ पर 1 सालों में इसने मात्र 10.38% के रिटर्न दिए हैं गाइस, और 3 सालों में 62% के रिटर्न दिए हैं। तो रिटर्न वाइज कंपनी ने निराशी किया है जो कि पास्ट के कंपैरिजन में देखें गाइस। तो उसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं गाइस जो कि इसमें फंडामेंटल पैरामीटर के अकॉर्डिंग इसके रेवेन्यू वगैरह और नेट प्रॉफिट वगैरह, वहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है जो कि आने वाली सस्टेनेबिलिटी को दर्शाता है गाइस। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में इसका जो डेप टू इक्विटी रेशियो था गाइस वो 1.68 का था, और आज के 2022 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 1.09 का इसका डेप टू इक्विटी रेशियो है, जो कि नेग्लिजिबल है गाइस। और ये डेप टू इक्विटी रेशियो डाउन ट्रेंड में चल रहा है जो कि कंपनी के लिए काफ़ी ग्रोथ पैरामीटर को आइडेंटिफिकेशन करता है। और आप यहाँ पर देखेंगे 2019 में मात्र 630 करोड़ रुपये का इसका नेट प्रॉफिट था गाइस, जो कि 2022 में इसका नेट प्रॉफिट रह गया 1576 करोड़ रुपए का इसका नेट प्रॉफिट रहा है गाइस, और ये काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट माना जाएगा गाइस ग्रोथ वाइज। और यहाँ पे आप रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू में इस 2022 में गाइस, 21,011 करोड़ का इसने रेवेन्यू अर्न किया था। और उसके अलावा यदि हम इसके शेयर होल्डिंग पैरामीटर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैरामीटर पे भी कंपनी काफ़ी अच्छी है गाइस, जो कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखेंगे आप इसमें 42.14 की है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, और यहाँ पे आप देखेंगे जो FIs है उनकी हिस्सेदारी 17.08 की है, और DIs की हिस्सेदारी कम होती जा रही है जो कि एक नेगेटिव फैक्टर है गाइस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।